नमस्ते खुलुंखा चिबाई टू ऑल माय तिप्रासा फ्रेंड्स। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अभी अभी मैंने देखा है प्रेस ब्रीफिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और उन्होंने क्लियरली आज कहा है कि जैसे स्टेटस को मेंटेन किया जा रहा था, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जा रहा था, कॉकबोरोक में रोमन स्क्रिप्ट और बांग्ला में लिखने का ऑप्शन था, वो ऑप्शन को बदला नहीं जाएगा और इस साल भी तिप्रासा लोग के पास दोनों ऑप्शन रहेगा टू अपियर इन द एग्जाम्स इन अ स्क्रिप्ट दैट दे वांट टू। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि और आपका सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप लोग एक नहीं होते तो मुश्किल बहुत होता, क्योंकि आज आपने एक आवाज में अपने पार्टी के बारे नहीं सोचा, अपने कम्युनिटी के बारे सोचा, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचा। एक माँ जिसने जिंदगी में स्कूल नहीं गया है, उसने अपने बच्चे के बारे सोचा। एक पिताजी जो गांव में काम करता है, उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसने अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचा। और एक नंबर में एक संग हम लोग हर जगह आए, इसके लिए आज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट बयान दिया है कि जो हमारे तिप्रासा स्टूडेंट्स हैं वो आज भी अपना एग्जाम रोमन स्क्रिप्ट या बांग्ला स्क्रिप्ट जैसे चल रहा था वैसे ही एग्जाम दे पाएंगे। कोई उनको प्रेशर नहीं कर सकता है कि वो एक ही स्क्रिप्ट में लिखे और एक स्क्रिप्ट को छोड़ दे। ये मेरा जीत नहीं है, ये आपका भी जीत नहीं है, ये हमारे भविष्य का जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका विक्ट्री है। मैं वेलकम करता हूं, आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारे बारे सोचा और उन्होंने ये डिसीजन लिया। ये सही डिसीजन है, क्योंकि भाषा जमीन और आइडेंटिटी को आप हटाकर कभी भी किसी के दिल में राज नहीं कर सकते। आई वेलकम दैट। मैं अपील करता हूं अपने लोगों को कि ये स्टेटमेंट के बाद आप लोग जश्न मनाइए, घर वापस जाइए, लेकिन वायलेंस में कहीं इंडल्ज मत कीजिए। आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, ये आपकी जीत है, आप सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन रखिए। आज हम जीते हैं, लेकिन आने वाले दिन में फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र होगा हमारी कम्युनिटी के खिलाफ। उस समय भी हमें एक रहना है और एक ना एक दिन ये जो स्क्रिप्ट का इश्यू है, इसका फाइनल सोल्यूशन तो लाना ही पड़ेगा। आज उन्होंने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि ये जो स्क्रिप्ट का इश्यू है ये स्टेटस को रहेगा, लेकिन आने वाले दिन में हमें ये अश्योरेंस कानून में बनाकर देखना पड़ेगा। आज हम जीते हैं इसका ये मतलब नहीं कि कल भी जीते। इसके लिए हमें परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए और उसके लिए बुबागरा अकेला फाइट नहीं कर सकता है, आप सबको हमको हेल्प करना पड़ेगा। मैं अपने वॉरियर्स को, अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, सिविल सोसाइटी को, अपने तिप्रा YTF, अपने बुरोई बदल, अपना सबको एक बात बोलना चाहता हूं। सब लोग कहते थे कि हम लोग नहीं जीतेंगे, सब लोग कहते हैं कि अरे छोटा पार्टी करके क्या मिलेगा आपको। आपने दिखाया है आदमी छोटा या बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल बड़ा होना पड़ता है और हिम्मत दिखाना पड़ता। आज मैं जो भी हूं इसके लिए हूं, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले बात किया, अपने बारे बात नहीं किया और ये मैं करते रहूंगा। यू हैव वन माई फ्रेंड्स, बट वी हैव टू बी केयरफुल फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये विक्ट्री छोटा विक्ट्री है, लेकिन बड़ा विक्ट्री तब आएगा जब कानून बनेगा। तब तक हमें एक रहना है, हमें किसी के खिलाफ फाइट नहीं करना है, हमें एक रहना है अपने इंटरेस्ट के लिए। अपना इंटरेस्ट अगर आप रखेंगे तभी हमारा
नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव करेगा। ये विक्ट्री पॉलिटिक्स के लिए नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा कि आप पॉलिटिकली इसको सेलिब्रेट कीजिए, ये विक्ट्री कम्युनिटी का विक्ट्री है। आज प्रद्युत विक्रम माणिक्य पहले तिपरासा है, उसके बाद मोथा का फाउंडर है। अनिमेश देव वर्मा पहले एक तिपरासा है, उसके बाद एलओपी है। बीके रंगखोल जिसने अपना पूरा जिंदगी सैक्रिफाइस किया है, वो पहले तिपरासा है, उसके बाद तिपरा मोथा का प्रेसिडेंट है। आप लोग पहले तिपरासा होकर सेलिब्रेट कीजिए। पार्टी बीजेपी में भी कोई हो वो भी आज खुश है, सीपीएम में भी जो है वो आज खुश है। अगर वो तिपरासा है तो वो खुश है, वो जानता है कि ये विक्ट्री हमारे जाति का है। और जब तक हम लोग अपना इंटरेस्ट को सामने रखेंगे और निजी इंटरेस्ट को पीछे रखेंगे, हम स्लोली बट श्योरली जीतेंगे। आई वेलकम द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वंस अगेन। आई थैंक द लीडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल लीडर्स, जिसने मुझे फोन किया, मुझे अश्योरेंस दिया। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि आपका पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट कैबिनेट से आए। आपने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, आई वेलकम इट। और मैं आपको और एक बात विनम्रता से बोलना चाहता हूं कि जब तक ये जो टीबीसी चेयरमैन जैसे आदमी रहेंगे, तब तक त्रिपुरा में तनाव रहेगा। ऐसे लोग सॉल्यूशन को कम करते हैं और विवाद को बड़ा करते हैं। कोई बंगाली हमारे अगेंस्ट नहीं है, हम भी कोई भी बंगाली के अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ चाहते थे कि ऑप्शन जो जैसा चल रहा था वैसा रहे। आज आपने माना है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक ना एक दिन इसका परमानेंट सोल्यूशन होना होगा, और ये सोल्यूशन राइटिंग में होना होगा, एक ना एक दिन तो होना होगा। तब तक माय डियर तिपरासास, होशियार रहिए। थानसा को तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, खुद के पार्टी से आएंगे, खुद के कम्युनिटी से आएंगे, लेकिन थानसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। आज हमारे स्क्रिप्ट के लिए सबने फाइट किया है, कौन देव वर्मा, कौन जमातिया, कौन रियांग, कौन चाकमा, कौन त्रिपुरा, कौन कोलोय, कौन रंगखोल, कौन मौलसम, कौन रूपिनी, सबने फाइट किया। और ये जीत भी आप सबका है, थानसा का है। आई एम सो हैप्पी। आप लोग अभी सेलिब्रेट कीजिए, अभी आपका बनता है सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि आप लोग ने डंडा भी खाया है, आप लोग जेल भी गए हैं, तो आज जश्न भी करना होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबली कीजिए और घर में जाकर बोलिए कि आज एक दिन तिपरासा जीता है, कोई पार्टी नहीं जीता है। एक वॉरियर जीता है, कोई वर्कर नहीं जीता है। एक जाति जीता है, एक पार्टी नहीं जीता है। आई लव यू, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर सेइंग स्ट्रांग। आने वाले दिन में अगर आपका सपोर्ट रहा तो अपने लोगों को और भी दूंगा, उसके बाद अपने बारे सोचूंगा। बेलाई बेलाई नो हम बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस तिपरासा, तिपरा दोफा, तिपरासा आई क्लॉक थो।